Today we are going to study another topic of cytology, that is ribosome. So basically हमने अभी दो units पूरी cover की हैं, जिसमें पहली unit में हमने पढ़ा था plasma membrane के बारे में और उसके structure के बारे में, और इसी के साथ हमने cytoskeletal elements की study की थी. अब जो हमारी second unit थी, आज हम उसका last topic cover करेंगे, जिसका नाम है ribosome. इससे just पहले जो हमने पढ़ा था वो था peroxisome, जो कि एक cell organelle है, मतलब cell में पाया जाने वाला organelle. उसी तरीके से राइबोसोम भी क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है. तो आज फाइनली हम इस सेकंड यूनिट के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज राइबोसोम. हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस. तो सबसे पहला यहां पे इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड विद डेंस ग्रैनुल्स एंड दे आर रफली स्फेरिकल इन शेप. तो बेसिकली होता क्या है कि जो सेल ऑर्गेनेल
मॉलिक्यूल, ठीक है। इस पे ये सारे क्या अटैच है, फोर राइबोसोम्स। तो जब एक एमआरएनए के मॉलिक्यूल पे कई सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और एक यूनिट की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। इस पॉलीसोम का फंक्शन क्या होता है, सेम जो राइबोसोम का है, दैट इज प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे राइबोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट यहाँ ऊपर प्रेजेंट होती है और ये हमारी स्मॉल सब यूनिट। इसी के साथ साथ यहाँ पर तीन साइड होती है जिनके नाम होते हैं ई साइड, पी साइड एंड ए साइड। ये तीन साइड प्रेजेंट होती है और यहाँ पर क्या है हमारा एम आर एन ए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमारा क्या था, राइबोसोम का स्ट्रक्चर था। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक पे कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम बेसिकली जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल की प्रोटीन मशीनरी या फिर सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। अब क्यों हम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है कि इसमें प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं एंड दैट टू इन लार्ज अमाउंट। इसका मतलब यह है कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करना और वो भी काफी सारे अमाउंट में। इसलिए हम राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री और प्रोटीन मशीनरी ऑफ द सेल। सो राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेटिंग जेनेटिक कोड, ट्रांसफर